हेलो एवरीबॉडी, आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है एन ओवरव्यू ऑन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। डोमेस्टिक वायलेंस कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी नहीं है जिसे हम एक वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ इवेंट्स देखेंगे कि अगर ये चीज़ें होती हैं तो ऐसा कार्य डोमेस्टिक वायलेंस कहलाएगा। किसी व्यक्ति को हर्ट करना, इंजूरी कॉज करना, या फिर उसकी लाइफ को, लिम को, हेल्थ को, सेफ्टी को, या फिर वेलबींग को डेंजर कॉज करना। अब ये मेंटल भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है। किसी महिला को हार्म करना, इंजूरी कॉज करना, या फिर डेंजर कॉज करना ताकि उस महिला से किसी बात को ज़बरदस्ती मनवाया जा सके, या फिर किसी और व्यक्ति से ऐसी बात को मनवाया जा सके जिसका ताल्लुक दहेज से हो। फिजिकल अब्यूज़ के अंदर आता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरह से हर्ट कर रहा है सामने वाले व्यक्ति को, तो ये सारी चीज़ें फिजिकल अब्यूज़ में आती है। सेक्सुअल अब्यूज़ में आता है फोर्स्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स, या फिर ऐसा कुछ भी जिसका नेचर सेक्सुअल हो, या फिर अब्यूजिंग, ह्यूमिलिएटिंग, डिग्रेडिंग, या फिर ऐसा कुछ भी करना जो सामने वाले व्यक्ति के लिए, उसकी डिग्निटी के लिए वायलेटिव हो। वर्बल और इमोशनल अब्यूज़ के अंदर आता है कि अगर किसी व्यक्ति के चरित्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें वर्बल और इमोशनल अब्यूज़ में काउंट की जाएंगी। अगर किसी महिला को इंसल्ट किया जाता है कि उसने दहेज नहीं दी है, या फिर उसने बेटा नहीं पैदा करा है, तो ये भी वर्बल और इमोशनल अब्यूज़ में ही इंक्लूड किया जाएगा। वर्बल और इमोशनल अब्यूज़ के अंदर किसी फीमेल को स्कूल जाने से, कॉलेज जाने से, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जाने से रोकना, उसको जॉब करने से रोकना, या फिर जिस भी व्यक्ति से वह शादी करना चाहती है उस व्यक्ति से शादी ना करने देना भी वर्बल और इमोशनल अब्यूज़ में ही आता है। इकोनॉमिक अब्यूज़, इकोनॉमिक अब्यूज़ में आता है कि किसी भी महिला को मेंटेनेंस प्रोवाइड ना करना, उसको और उसके बच्चों को खाना नहीं देना और कपड़े नहीं देना, मेडिसिन नहीं देना, मतलब जो भी चीज़ें लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट हैं वो भी पूरी नहीं करना। किसी महिला को घर के किसी पर्टिकुलर एरिया को यूज़ करने से रेस्ट्रिक्ट करना। किसी महिला को जॉब नहीं करने देना। किसी महिला का स्त्रीधन बिना उसकी इजाज़त के सेल कर देना। किसी महिला की इनकम, सैलरी, या फिर वेजेस उससे ज़बरदस्ती छीन लेना। इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भरना, रेंट नहीं भरना अकोमोडेशन का। तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक अब्यूज़ के अंदर इंक्लूड करी जाएंगी। हु इज़ कवर्ड अंडर द एक्ट? ये जो एक्ट है ये सभी महिलाओं को कवर करता है। वो महिला किसी की माँ हो सकती है, किसी की बहन हो सकती है, शी कैन बी अ वाइफ, विडो, या फिर वो किसी शेयर्ड हाउस में पार्टनर भी हो सकती है। महिला की जो रिलेशनशिप है वो मैरिज की भी हो सकती है और अडॉप्शन की भी हो सकती है। इस एक्ट के द्वारा जॉइंट फैमिली रिलेशंस को भी कवर किया गया है। इस एक्ट के द्वारा बताया गया है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर मेल है, उसकी कोई भी ऐसी सहयोगी, या फिर उसकी कोई भी फैमिली मेम्बर जो कि एक फ़ीमेल है, या फिर कोई भी उसका मेल पार्टनर, वो उसकी वाइफ के अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं फाइल कर सकता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जो सास है वो अपनी बहू के अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं फाइल कर सकती है, पर जो सास है वो ऐसे टाइम पे कंप्लेंट फाइल कर सकती है कि अगर उसकी जो बहू है वो अबेट करती है अपने पति को कि वो उसके अगेंस्ट वायलेंस कमिट करे। हु कैन फाइल अ कंप्लेंट? कोई भी महिला जिसके अगेंस्ट ऑफेंडर के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस किया गया है वो कंप्लेन फाइल कर सकती है। अगर वो महिला स्वयं नहीं करे तो कोई और व्यक्ति भी उसके बिहाफ पे कंप्लेन फाइल कर सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के द्वारा एक चाइल्ड भी एंटाइटल्ड है कि उसको भी रिलीफ दी जाएगी इस एक्ट के अंदर। अगर चाइल्ड माइनर है तो उसके बिहाफ पे उसकी जो माँ है वो कंप्लेन फाइल कर सकती है। अगर कोई महिला कोर्ट के अंदर खुद ही कंप्लेन फाइल करती है खुद के लिए कि उसके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और साथ में उसके बच्चों के साथ भी हो रहा है, तो यहाँ पर जो उसके बच्चे हैं वो को एप्लिकेंट्स बन सकते हैं। अगेंस्ट हुम कैन अ कंप्लेंट बी फाइल्ड? कंप्लेंट किसी भी अडल्ट मेल मेंबर के अगेंस्ट फाइल की जा सकती है जिसके कोई भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप हो उस महिला के साथ में। कंप्लेंट हस्बैंड के रिलेटिव्स के अगेंस्ट भी फाइल की जा सकती है, या फिर किसी मेल पार्टनर के अगेंस्ट भी फाइल की जा सकती है। कंप्लेंट मेल पार्टनर के मेल और फीमेल रिलेटिव्स दोनों के अगेंस्ट फाइल की जा सकती है। टू हुम कैन इंफॉर्मेशन बी गिवन और कंप्लेंट बी मेड?
डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेन किसी भी पुलिस ऑफिसर के सामने, प्रोटेक्शन ऑफिसर के सामने, या फिर एनजीओ सर्विस प्रोवाइडर या फिर मैजिस्ट्रेट के सामने की जा सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस में ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होती है। डोमेस्टिक रिलेशनशिप भी एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसे एक सेंटेंस में डिफाइन नहीं किया जा सकता है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंक्लूड की जा सकती हैं। अगर दो व्यक्ति ऐसे हैं जो साथ में रहते हैं या फिर किसी भी समय पर कभी भी साथ रहे हों, जिनने एक ही घर शेयर किया हो, तो ये रिलेशनशिप डोमेस्टिक रिलेशनशिप होती है। डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर ब्लड रिलेशंस भी आते हैं और मैरिज के बाद बनाए गए रिलेशंस भी आते हैं। शेयर्ड हाउसहोल्ड का मतलब होता है वो कोई भी हाउसहोल्ड जो कि उस महिला ने शेयर किया हो ऐसे व्यक्ति के साथ में जिसके साथ में वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में थी। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जब भी महिला के द्वारा एप्लीकेशन फॉर रिलीफ फाइल की गई हो तब वो उसी हाउसहोल्ड में रहेगी तो ये जो एप्लीकेशन है ये वैलिड होगी। यहाँ पर जो एक्ट है वो महिला को एंटाइटल करता है कि भले ही से वो दूसरे हाउसहोल्ड में रहती हो जिस समय पर उसने एप्लीकेशन फॉर रिलीफ फाइल करी थी, तब भी यहाँ पर उसको रिलीफ दी जाएगी। हर एक ऐसी महिला जिसकी डोमेस्टिक रिलेशनशिप होती है उसको अधिकार होता है कि वो शेयर्ड हाउसहोल्ड के अंदर रह सके, फिर भले ही से उसकी कोई राइट ना हो उस पर, कोई टाइटल ना हो उसका या फिर कोई इंटरेस्ट ना हो उसका। प्रोविजन फॉर शेल्टर होम एंड मेडिकल एड। जो भी महिला अग्रीव्ड है वो या फिर उसके बिहाफ पे कोई भी प्रोटेक्शन ऑफिसर या फिर सर्विस प्रोवाइडर रिक्वेस्ट कर सकता है ऐसे व्यक्ति को जो कि इंचार्ज है शेल्टर होम का या फिर मेडिकल फैसिलिटी का, कि ऐसा व्यक्ति उसको शेल्टर या फिर मेडिकल एड प्रोवाइड करे। हु मे फाइल एन एप्लीकेशन टू द मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन अग्रीव्ड पर्सन के द्वारा फाइल की जा सकती है या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा फाइल की जा सकती है या फिर अग्रीव्ड पर्सन के बिहाफ पे किसी और व्यक्ति के द्वारा भी एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। ये ड्यूटी होती है प्रोटेक्शन ऑफिसर की और सर्विस प्रोवाइडर की कि जो भी महिला यहाँ पर अग्रीव्ड है उसको असिस्टेंस दिया जाए। ऑर्डर्स विच अ मैजिस्ट्रेट मे पास अंडर द एक्ट। यहाँ पर जो मैजिस्ट्रेट है वो डायरेक्ट कर सकता है रेस्पोंडेंट को या फिर अग्रीव्ड पर्सन को कि वो या तो अकेले या फिर जॉइंटली काउंसलिंग के लिए जाए। मैजिस्ट्रेट डायरेक्शन इशू कर सकते हैं कि जो भी महिला है उसे घर से निकाला ना जाए या फिर हाउसहोल्ड के किसी भी पार्ट से एक्सक्लूड ना किया जाए। अगर ऐसी ज़रूरत महसूस होती है तो जो प्रोसीडिंग्स है वो कैमरा के सामने कंडक्ट की जाएगी। मैजिस्ट्रेट प्रोटेक्शन ऑर्डर इशू कर सकते हैं जिसके अंदर वो डायरेक्ट करेंगे कि जो भी महिला है उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए। यहाँ पर जो मैजिस्ट्रेट है वो ऑर्डर दे सकते हैं कि जो महिला है उसे मॉनेटरी रिलीफ दिया जाए जिससे जो भी एक्सपेंसेस उसको हुए हैं या फिर जो भी लॉस उसने सफ़र किए हैं उन सब चीज़ों की भरपाई की जा सके। मैजिस्ट्रेट के द्वारा कस्टडी ऑर्डर्स ग्रांट किए जा सकते हैं। यहाँ पर मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकते हैं कि वो किसी बच्चे या फिर बच्चों की कस्टडी महिला को दे दें, पर यहाँ जो कस्टडी ग्रांट करी जाती है वो टेम्पररी होती है। मैजिस्ट्रेट कंपनसेशन या फिर डैमेजेस ग्रांट कर सकते हैं इंजूरीज़ के लिए। यहाँ पर इंजूरी के अंदर मेंटल टॉर्चर और इमोशनल डिस्ट्रेस को इंक्लूड किया जाएगा। अगर मैजिस्ट्रेट के द्वारा दिए गए किसी भी ऑर्डर का उल्लंघन किया जाता है तो ये पनिशेबल होगा लॉ के अंडर। यहाँ पर जो भी व्यक्ति अग्रीव्ड है उसके पास अधिकार रहेगा कि वो साइमल्टेनियसली एक कंप्लेंट सेक्शन 498A ऑफ IPC में भी फाइल कर सकता है। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। जैसे ही किसी प्रोटेक्शन ऑफिसर या फिर सर्विस प्रोवाइडर के सामने कंप्लेंट फाइल करी जाती है तो उनको एक DIR प्रिपेयर करना पड़ेगा फॉर्म नंबर 1 में, जैसा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के द्वारा बताया गया है। उसकी कॉपीज उन्हें मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को सबमिट करनी होंगी। अगर महिला की इच्छा है तो प्रोटेक्शन ऑफिसर या फिर सर्विस प्रोवाइडर उस महिला को असिस्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर रिलीफ को फाइल करने में। इस एप्लीकेशन के साथ में कॉपी ऑफ DIR को भी एनेक्स करना होगा। सुरेखा मोटे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे। इस केस में बताया गया था कि अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट नहीं किया गया है तो जो मैजिस्ट्रेट हैं उनको एप्लीकेशन को डायरेक्टली एक्सेप्ट करना होगा। शालू बंसल्स केस दिल्ली।
इस केस में कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि जो रेस्पोंडेंट है वो रेंट प्रोवाइड करेगा सेपरेट रेसिडेंस के लिए एज अ मेंटेनेंस टू द अग्रीव्ड पर्सन। तो आज जो हमने टॉपिक कवर किया वो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005।